अब मैं विश्वास दिला रहा हूँ और जाकिर नायक से पूछता हूँ कि अगर सही अर्थों में वो पढ़ा लिखा है तो मेरे सवालों का जवाब दे। मैं एक बार नहीं, पहली बार नहीं, इससे पहले भी 50 बार पूछ चुका हूँ और आज तक 2004 से आज तक मेरे सामने आया नहीं, ना मुकाबला करने की इसकी हिम्मत है। वो तो कह रहा है कि हमसे ये डिबेट करना चाहते हैं कि अपनी पब्लिसिटी के लिए। अरे हमारी पब्लिसिटी कम है क्या? हम उसके नाम से क्यों पब्लिसिटी करने जाएंगे? वो तो अपनी दुकान चमका रहे हैं और ये अंधविश्वासी लोगों का ही भरमार है जो उनको सहयोग दे रहे हैं, वो उसकी दुकान चला नहीं। और मदारी कहा भी उनको, उसी जाकिर नायक के एक चेले ने आज से 2 दिन पहले फ़ोन पर मेरे को कहा कि जाकिर नायक से आपका डिबेट कराते हैं, आप कितने लोग उपस्थिति देंगे, कितने लोगों की? मैंने कहा लोगों की उपस्थिति क्यों चाहिए? मैं मदारी नहीं हूँ कि मदारी वाला खेल दिखाऊँ। वो तो मदारी लोग होते हैं जो मदारी वाला खेल दिखाते हैं, बच्चे का जीभ काट करके, अभी बोलेगा जी बोलेगा, बच्चा बोलेगा, ऐसा नहीं है। सत को जानने के लिए। खुले मंच पे कह रहा हूँ, मुझे आज़ादी है देश में, अगर किसी को आने का मुकाबला करने का तो डायलॉग भी करने को मैं तैयार हूँ। ऐसा आदमी जिसके पास इल्म है, चाहे हिंदू मजहब का हो चाहे क्रिश्चियनिटी मजहब का हो, कोई भी शख्स जो 10,000 पब्लिक, कोई भी हिंदू कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीब पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है। यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं? यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं बराबर। सिर्फ 10,000 अपनी तकरीब पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं, 10,000 लोग को अपनी तकरीब पे जमा कर सकता है वो और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं, 10,000 लोग को अपनी तकरीब पे जमा कर सकता है वो और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ, खाली बोलना सर्वधर्म क्या है? मैं सच्ची में लोग को एक करने चाहता हूँ, जो कुरान में लिखा है, जो वेद में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है। तो जाकिर नाइक का एक ये भी मैं सुना हूँ और उसने बोला कि हम मांसाहार इसलिए करते हैं कि गाय का मांस, कि गाय शांति प्रिय पशु है और हम शांति प्रिय बनना चाहते हैं, इसीलिए हम गाय का मांस खाते हैं। तो उसके जवाब में मैं बोला बहुत पहले, जाकिर नाइक ने जो ये बताया है कि ये बिल्कुल सरासर गलत बताया है, वो एक मेडिकल साइंस का आदमी है। मैं तो उसको MBBS मुन्ना भाई बोला हूँ, वो मेडिकल साइंस को पढ़ा नहीं है, पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ आया, मुझे संदेह है। अगर वो मेडिकल साइंस का आदमी होता तो इस बात को वो नहीं कह सकता था, क्योंकि मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे डॉक्टरों ने, मेडिकल साइंस के जानकारों ने इसको सिद्ध कर दिया है अब तक कि मांसाहार करना मनुष्य के आंत में वो शक्ति नहीं है कि वो मनुष्य उसको हजम कर जाए। देयर आर इन द हर्बिवोरस एनिमल एन एंजाइम नोन एज सेलुलेज एंजाइम एंड every vegetable has cellulase and this cellulase enzyme helps in digesting the vegetables. We human beings, we don't have cellulase enzymes. Therefore, the vegetables we eat, the cellulase part remains undigested and we call them as fibers. It's undigested. On the other hand, there are certain enzymes like lipase, trypsis, chemotrypsis, which are mainly meant for digesting non-vegetarian food. If Almighty God did not want us to have non-veg food, why did he give us these enzymes? अगर आप कहेंगे कि साहब ये जाकिर नाइक ने जो बोला है कि हमारे दांत नोकीले भी हैं और चिपटे भी हैं, तो मैं एक फिर और प्रमाण दे रहा हूँ कि ईश्वर के इस प्रकृति के गठन के अनुसार जो मांसाहारी पशु हैं वो जैसे हम लोग पानी पीते हैं वैसे नहीं पी सकते, वो जीभ से उछाल उछाल कर पानी पीता है। तो जाकिर नायक ऐसा ही जानवर जैसा जीभ से उछाल उछाल कर पानी क्यों नहीं पीता? He said, carnivorous animals they lick and the herbivorous animals they sip. We human beings, we do both. We do both. When we drink, while we drink, we sip. When we have ice cream, what do? We lick. We lick also and we sip also, depending upon what is the food we are eating. Even the tea we can lick, not that we can't lick. But why do we waste time? It will take more time. मैं आपको कोशिश करूंगा
बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की ज़रूरत है, कम से कम 23 अमीनो एसिड की ज़रूरत है। यही 23 में से 8 अमीनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते, उसके लिए फ़र्ज़ है कि ये हमारे खाने में हमें ये अमीनो एसिड मिलना चाहिए। कोई भी शाकाहारी, कोई भी भाजीपाला नहीं है जिसमें आटों के आटों अमीनो एसिड मौजूद है। फ्लैश में, गोश में आटो अमीनो एसिड मौजूद है, इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट फूड। आज साइंस ये कहती है कि फ्लैश फूड में, गोश में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है, इससे सेहत अच्छी बनती है। और आज आप देखेंगे जो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ भाजीपाला खाते हैं, भेड़, बकरी, गाय, आप देखेंगे इन जानवरों के दांत इनके चपटे हैं, उनके पास हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ है। ये सिर्फ भाजीपाला खाते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब आप देखेंगे मांसाहारी जानवर के दांत, शेर, शेरे बब्बर, चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं, ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजीपाला खा ही नहीं सकते। जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिए हैं, चपटे दांत भी दिया है और नोकेले दांत भी दिया है। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजीपाला खाए तो ये नोकेले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है कि हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजीपाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, चीता, शेर, शेरे बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते, भाजीपाला नहीं। लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया है, बिग इंटेस्टाइन भी दिया है, हम भाजीपाला भी डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकते। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजीपाला खाए तो हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है? तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजीपाला भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं।